सो हे गाइस, अगर आपका खाता इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में है और दोस्तों आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है, तो गाइस आप लोग बिना एटीएम कार्ड के अगर यूपीआई पिन बनाना चाहते हैं अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, तो गाइस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊं कि इसके से आप लोग बिना एटीएम कार्ड के अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का यूपीआई पिन आप लोग सेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग एक बार यूपीआई पिन अपना बना लेते हैं, चाहे गूगल पे में बनाए, चाहे फोनपे में बनाए, चाहे पेटीएम में बनाए, चाहे दोस्तों भीम ऐप में बनाए, दोस्तों अगर आप लोग एक एप्लीकेशन में बना लेते हैं तो सभी में दोस्तों काम करता है। सभी में आप लोग अपने बैंक का बैलेंस चेक कर सकते हैं, किसी के पास पैसा भी ट्रांसफर कर सकते हैं, अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, यानी कि सब कुछ आप लोग कर सकते हैं अगर आप लोग एक बार अपना यूपीआई पिन जो है सेट कर लेते हैं। दोस्तों बिना देरी के चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा पूरा फुल प्रोसेस कि गाइस कैसे आप लोग अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का यूपीआई पिन आप लोग सेट कर सकते हैं बिना एटीएम कार्ड के। अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो गाइस कैसे करना पड़ेगा इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बनेगा, और दोस्तों वीडियो को तनिक से स्किप मत करिएगा, नहीं तो दोस्तों आप लोग समझ नहीं पाएंगे और आपका यूपीआई पिन दोस्तों सेट नहीं हो पाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर, जहां पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि गाइस कैसे आप लोग अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का यूपीआई पिन आप लोग सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों मैं यूपीआई पिन आपको बनाना फोन पे में बताऊंगा। अगर दोस्तों आप लोग फोन पे में अपना यूपीआई पिन बना लेते हैं तो दोस्तों आप लोग गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सबका यूज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है, चाहे किसी भी ऐप में आप लोग बनाए। फोन पे में दोस्तों आसान होता है तो आप लोग आसानी से समझ भी जाएंगे। चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले गाइस अगर आप लोग फोन पे को पहले से डाउनलोड कर लिए और अपना इसमें बैंक ऐड कर लिए, तो गाइस आपको यहां पर अपने फोन पे को ओपन करना है। इस तरीके से प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करना है, देन नीचे जाना है, बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे गाइस आप लोग इस पे क्लिक करेंगे, यहां पर दोस्तों आपका बैंक दिख जाएगा। तो दोस्तों आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको अपने इस बैंक पर क्लिक करना पड़ेगा। बैंक पर जैसे गाइस आप लोग क्लिक करेंगे, सबसे नीचे जाना पड़ेगा, यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा अनलिंक बैंक अकाउंट का, इस पे क्लिक करके इस तरीके से अपना बैंक यहां से दोस्तों डिलीट कर देना, अनलिंक कर देना। अब दोस्तों आपको यहां से पूरा फोन पे को कट करके इस तरीके से पूरा बैक कर देना है। बैक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, फोन पे पर कुछ सेकंड तक दबा रखना है, उसके बाद यहां पर अनइंस्टॉल ऐप का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करके इस तरीके से फोन पे को डिलीट कर देना। डिलीट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, जो दोस्तों आप लोग यहाँ पर वीडियो देखने के, आपको वीडियो के नीचे यहाँ पर सब्सक्राइब बटन दिया, तो यहाँ से आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और इस तरीके से बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आल पे प्रेस कर देना, और यहाँ पर वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताइएगा कि गाइस आप लोग किस राज्य से मेरा वीडियो देख रहे हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, अपने फोन पे को दोस्तों डिलीट कर दीजिए अगर आपके फोन में होगा। उसके बाद आपको जो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के नीचे टाइटल पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर एक लिंक मिलेगा, आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप लोग इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यह न्यू वर्जन का लिंक है, आपको डायरेक्टली इस तरीके से प्ले स्टोर पर पहुंचा देगा। तो गाइस आपको यहां से क्या करना है, फोन पे को इस तरीके से इंस्टॉल कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। जब दोस्तों आप लोग यहां से इस तरीके से फोन पे को डाउनलोड करेंगे तो आपका फोन पे एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से दोस्तों यहां पर डाउनलोड होगा। देख सकते हैं गाइस हमारा फोन पे एप्लीकेशन इस तरीके से डाउनलोड हो रहा है। तो अब यहाँ पर दोस्तों अगर आपका फोन पे इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा तो गाइस आपको यहाँ पर ओपन कर देना। ओपन करने के बाद दोस्तों इस तरीके से आपका फोन पे एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर अपना डालना पड़ेगा, जिस मोबाइल नंबर से बनाना चाहते हैं आपका यही मोबाइल नंबर दोस्तों आपके बैंक में भी लिंक होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए और इसी फोन में सिम कार्ड लगा भी होना चाहिए। चलिए दोस्तों यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आएगा, लॉग इन एज, और यहाँ पर नीचे आएगा फॉरगेट पासवर्ड का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। देन नीचे जाना, एक ऑप्शन आएगा लॉग इन विथ ओटीपी, आपको इस पर क्लिक करना दोस्तों। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा दोस्तों, यहाँ पर 5 अंक का वन टाइम पासवर्ड, इस तरीके से ओटीपी आ जाएगा। अब आपको नीचे सारे परमिशन को इस तरीके से अलाउ करना है। सारे परमिशन को दोस्तों जैसे आप लोग अलाउ करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपको कट का ऑप्शन मिलेगा या फिर आपको स्किप का बटन देगा, तो आपको कट कर देना या फिर स्किप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ परमिशन आएगा, सारे परमिशन को आपको अलाउ करना है, इस तरीके से स्किप कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आएगा दोस्तों, यहाँ पर ऐड बैंक अकाउंट का। दोस्तों अगर आपका यहाँ पर बैंक ऐड नहीं रहेगा तो यहाँ पर ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन आएगा। अगर दोस्तों आपको यहाँ पर इस तरीके से ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आपको इस प्रोफाइल वाले आइकन पर क्लिक करना पड़ेगा। देन नीचे जाना है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा बैंक अकाउंट का, तो आपको बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। अब यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे बैंकों का जो लिस्ट है आपको यहाँ पर शो हो जाएगा दोस्तों। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी आपका बैंक रहेगा गाइस आप यहाँ से अपना बैंक सर्च भी कर सकते हैं, अगर आपका बैंक नहीं दिखेगा, अगर आपका कोई दूसरा बैंक है तो। लेकिन दोस्तों मैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बता रहा हूँ, तो मैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पर क्लिक कर दूंगा। आपको भी इस तरीके से अपने बैंक पर क्लिक कर दें, अगर नहीं दिखेगा तो आप सर्च कर लीजिएगा। सर्च करने के बाद दोस्तों आपका जो है जैसे क्लिक करेंगे तो आपका बैंक इस तरीके से ऐड हो जाएगा दोस्तों। अब आपको यहाँ से बैक कर देना, पूरा कट करके होम स्क्रीन पर चले जाना है इस तरीके से फोन पे का। जैसे कि आप लोग होम स्क्रीन पर आ जाएंगे, अब आपको फिर से प्रोफाइल वाले आइकन पर क्लिक करना है। देन नीचे जाना, पेमेंट मेथड्स वाले ऑप्शन में यहाँ पर बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपका बैंक दिख जाएगा, यहाँ पर हमारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक दिख रहा है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर यूपीआई पिन और यहाँ पर रेसिडेंट चेंज का। दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर पहली बार बना रहे होंगे तो यहाँ पर आपको सेट यूपीआई पिन दिख रहा होगा, या फिर दोस्तों अगर आप में रेसिडेंट चेंज दिख रहा है तो आपको रीसेट पर क्लिक करना है। अगर आप में सेट यूपीआई पिन दिखेगा तो आपको सेट यूपीआई पिन पर क्लिक कर देना है। चलिए दोस्तों हम रीसेट पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों इस तरीके से जैसे आप लोग रीसेट पर क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा दोस्तों, यहाँ पर आपके एटीएम कार्ड का नंबर मांगा जाएगा और नीचे एक्सपायरी डेट मांगा जाएगा। तो गाइस आपको यहाँ पर एक्सपायरी डेट और एटीएम कार्ड का नंबर नहीं पता है तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ से बैक कर देना है। बैक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, अपने मोबाइल में दोस्तों प्ले स्टोर एप्लीकेशन पर जाना है। अब यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा दोस्तों आपको IPPB मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन। इसमें गाइस आपको IPPB जैसे आप लोग सर्च करेंगे तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का दोस्तों ये IPPB मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। इस ऐप को जैसे आप लोग डाउनलोड करेंगे तो गाइस आपका इस तरीके से एप्लीकेशन दोस्तों डाउनलोड हो जाएगा। ये दोस्तों ऑफिशियल एप्लीकेशन है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, यहाँ पर जो है कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इस एप्लीकेशन में गाइस आप लोग अपना ATM कार्ड देख पाएंगे, सभी लोग देख पाएंगे, ऐसा नहीं कि गाइस कुछ लोग देख पाएंगे। इस मतलब आप लोगों को मतलब यहाँ पर पूरा ATM कार्ड का पूरा डिटेल मिल जाएगा कि ATM कार्ड नंबर क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, सब कुछ मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में मैं आपको बताता हूँ कि ATM कार्ड कैसे मिलेगा, उससे आप लोग अपना UPI पिन सेट कर पाएंगे। दोस्तों बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जो बिना ATM कार्ड के बनाना चाहते हैं, बिना ATM कार्ड के नहीं बनेगा, यहाँ से आप लोग अपना ATM कार्ड देख करके बना लीजिएगा। चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर बताता हूँ ATM कार्ड कैसे आपको देखना है, पहले ये डाउनलोड हो जाने दीजिए। यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इस तरीके से ओपन कर देना। ओपन करने के बाद कुछ परमिशन आएगा, सारे परमिशन को आपको अलाउ करना है। इस तरीके से अलाउ ऐसे करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा दोस्तों लॉगिन का। तो आपको इस लॉगिन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, परमिशन को अलाउ करना है। उसके बाद दोस्तों इस तरीके से कुछ वेरिफिकेशन आएगा मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करने के लिए। तो गाइस आपको यहाँ पर क्या करना है, इस तरीके से टर्म एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट एग्री कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट SMS वेरिफिकेशन आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों इस तरीके से परमिशन को अलाउ कर देना है। यहाँ पर SMS वेरिफिकेशन होगा आपका मोबाइल नंबर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 3 स्टेप जो है कंप्लीट होगा तो आपका यहाँ पर वेरीफाई कंप्लीट हो जाएगा। वेरीफाई कंप्लीट होने के बाद दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आएगा दोस्तों, आपको सबसे ऊपर अकाउंट नंबर और नीचे कस्टमर आईडी और नीचे डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ता है। दोस्तों जब आप लोग इसमें खाता ओपन कराएंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर इस तरह का एक कार्ड मिला होगा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ये दोस्तों एक कार्ड मिला होगा जब आप लोग इसमें खाता ओपन कराएंगे इस तरीके का। तो आपको इस क्या करना पड़ेगा, इस कार्ड को दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे ऊपर आपका नाम दिखेगा, उसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर AC लिखा है, AC नंबर लिखा हुआ है तो ये आपका अकाउंट नंबर रहेगा, और उसके बाद CIF नंबर करके रहेगा तो ये दोस्तों आपका कस्टमर आईडी है। दोस्तों आप लोग इसमें डाल दीजिएगा, अगर दोस्तों आपको नहीं पता है अकाउंट नंबर कस्टमर आईडी तो आप लोग क्या करिए अपने बैंक पर जाकर के अपना पता कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप लोग को जो है एक मैसेज आया होगा जब आप लोग खाता खुलाएंगे तो उसमें भी आपका अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी दिखता है तो आप लोग वहाँ से भी पता कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों सभी लोगों को पासबुक में भी रहता है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ये भी दोस्तों एक पासबुक है। चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर नीचे कस्टमर आईडी और डेट ऑफ बर्थ डालता हूँ। दोस्तों बहुत सारे लोग डेट ऑफ बर्थ नहीं डाल पाते हैं तो मैं डेट ऑफ बर्थ डालना आपको पहले बता देता हूँ। आपको डेट ऑफ बर्थ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों सन पर क्लिक करना है, उसके बाद जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा सन अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद मंथ पे क्लिक करना, आपका जो भी मंथ रहेगा इस तरीके से सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों आपका जो भी डेट रहेगा आपको अपना डेट पे क्लिक कर देना, आपका जो है यहाँ पर ऑटोमेटिक इस तरीके से आपका डेट ऑफ बर्थ पड़ जाएगा। अब आपको यहाँ पर कस्टमर आईडी या फिर यहाँ पर अकाउंट नंबर डाल देना चाहिए, तो मैं यहाँ पर अकाउंट नंबर और नीचे कस्टमर आईडी दोनों डाल देता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने सब कुछ डाल दिया, डालने के बाद दोस्तों नीचे एक ऑप्शन आएगा इस तरीके से रजिस्टर का, तो आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है दोस्तों। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा यहाँ पर न्यू MPIN का और नीचे री इंटर MPIN का। दोस्तों आपको यहाँ पर एक नया MPIN अपने हिसाब से कोई भी बना लेना, यानी कि दोस्तों ये MPIN जब आप लोग अपना एप्लीकेशन ओपन करेंगे या फिर ATM कार्ड अप्लाई करेंगे तो यही पासवर्ड मांगेगा। तो अगर आपको यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना पड़ता है इस तरीके का, तो आपको 4 अंक का पासवर्ड एक बनाना चाहिए। दोस्तों मैं यहाँ पर फिर से वही पासवर्ड डालता हूँ, जो आपने ऊपर डाला होगा वही नीचे भी आपको डालना पड़ेगा। डालने के बाद दोस्तों आपको सेट MPIN पर क्लिक कर देना। जैसे कि आप लोग सेट MPIN पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा दोस्तों। यहाँ पर ऐड सिक्योरिटी क्वेश्चन का सबसे ऊपर लिखा रहेगा व्हाट इज द योर नेम प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब आपका जन्म स्थान कहाँ रहेगा, ये आप लोग डाल दीजिएगा। व्हाट इज द योर प्लेस ऑफ योर बर्थ, मतलब आपका जन्म स्थान, आप अपने गाँव का नाम भी डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर व्हाट इज द योर फर्स्ट स्कूल डैट यू हैव अटेंड, तो यहाँ पर आप अपने स्कूल का जो भी फर्स्ट स्कूल रहेगा जहाँ पर आप लोग अपना शिक्षा ग्रहण किया, आप लोग अपना यहाँ पर स्कूल का नाम डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे फेवरेट फ्रेंड आएगा तो आप अपने कोई भी दोस्त का नाम डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर फेवरेट टीचर आएगा तो आप फेवरेट टीचर कोई भी रहेंगे आपके अध्यापक तो आप यहाँ पर अपना डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये दोस्तों सिक्योरिटी क्वेश्चन इसलिए होता है, मान लीजिए दोस्तों आप अगर बाद में बाहर अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप लोग को यही सिक्योरिटी क्वेश्चन आप लोग डाल देंगे तो पासवर्ड आपका चेंज हो जाएगा। मतलब मांगता है कि आप लोग इसमें क्या डाले थे, कभी कभी पूछता है, तो आप लोग इसमें डाल के अपना जो है बना सकते हैं अपना अगर MPIN भूल जाते हैं बाद में। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन सबको डाल देते हैं, सबसे ऊपर अपने गाँव का नाम, उसके बाद में यहाँ पर अपने स्कूल का नाम, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपने फेवरेट फ्रेंड का नाम और यहाँ पर फेवरेट टीचर का नाम। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने सब कुछ डाल दिया, नाम वगैरह सब कुछ, तो यहाँ पर गाइस आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, यहाँ पर जो नाम रहेगा दोस्तों आपको यहाँ पर लास्ट में कोई भी डैश नहीं देना। जैसे कि यहाँ पर मैं डैश देता हूँ तो यहाँ पर गाइस आपको कोई भी इस तरीके का डैश नहीं देना। जैसे कि यहाँ पर बीच में डैश दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पर गाइस कोई भी डैश नहीं देना, आपको इस तरीके से कट कर देना और आपको केवल स्पेलिंग वगैरह जितना भी रहेगा वहीं तक लिखना है, आपको कोई भी लास्ट में डैश नहीं देना है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा सबमिट का, तो सब कुछ आपको डालने के बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर जो है आपका OTP आएगा, आपका OTP यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा, पड़ जाता है। उसके बाद दोस्तों आप लोग रजिस्टर
हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको लॉगिन पर क्लिक करना, देन इस तरीके से आपका इंटरफेस आएगा। तो आप जो भी इसमें एम पिन अपना बनाए होंगे वही एम पिन आप लोग डालेंगे तो फिर से आप लोग इस एप्लीकेशन में आ जाएंगे। अब दोस्तों जब भी आप एप्लीकेशन खोलेंगे तो यही पासवर्ड मांगेगा, यानी कि यही जो एम पिन बनाया वही आपको मांगेगा। अब इस तरीके से जब इंटरफेस आएगा दोस्तों आप लोग नीचे आएंगे, आप लोग यहाँ से अपने बैंक का बैलेंस भी देख सकते हैं कि आपके बैंक में कितना पैसा है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर UPI सर्विसेज का, और यहाँ पर माई सर्विसेज वाले ऑप्शन में आएगा तो गाइस आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेबिट कार्ड का, आपको इस पर क्लिक करना दोस्तों। और यहाँ पर गाइस आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। पहले दोस्तों आप लोग जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा, तो उसके लिए दोस्तों आपके बैंक में 25 रुपये होना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आप लोग पहली बार जब अप्लाई करेंगे तो आपको 25 रुपये काटेगा आपके बैंक से। तो अगर दोस्तों आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने अप्लाई पहले ही कर लिया है, तो अगर आपको अप्लाई करना नहीं आएगा तो आप लोगों को उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर लास्ट में स्क्रीन पर लगा दूंगा, तो आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा कि ATM कार्ड कैसे अप्लाई करते हैं। क्योंकि दोस्तों अप्लाई करने का प्रोसेस दूसरा होता है, केवल एक ही बार अप्लाई होता है। तो मैंने पहले ही अप्लाई कर लिया था, उसके टॉपिक पर मैंने वीडियो बना दिया था, तो आप लोग जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। अप्लाई करने के बाद में दोस्तों जब आप लोग इस तरीके से अनब्लॉक वगैरह सब कुछ कर लेंगे तो आपको व्यू कार्ड डिटेल का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको व्यू कार्ड डिटेल पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आप जो एम पिन बनाया उसको डालेंगे इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप जैसे कन्फर्म करेंगे तो आपका यहाँ पर इस तरीके से ATM कार्ड नंबर और नीचे एक्सपायरी डेट यानी कि मंथ ईयर जो भी रहेगा यहाँ पर सब कुछ शो हो जाएगा, वैलिड अप टू का आपको डालना पड़ता है। तो यहाँ पर सब कुछ आपको शो हो जाएगा, यहाँ से आप स्क्रीन शॉट तो लिया मतलब होता नहीं है, तो आप लोग दोस्तों यहाँ से अपना किसी कॉपी पर नोट भी कर सकते हैं या फिर देख करके अपना डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से अपना ATM कार्ड का नंबर वगैरह सब कुछ देख लिया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अपने फ़ोनपे में आना है। फ़ोनपे में आने के बाद दोस्तों आपको अपने ATM कार्ड का नंबर डाल देना है और नीचे एक्सपायरी डेट दोनों डाल देने। चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर गाइस मैंने अपने ATM कार्ड का नंबर नीचे एक्सपायरी डेट दोनों डाल दिया। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, देन परमिशन को अलाउ करेंगे। उसके बाद दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आएगा, इंटर 6 डिजिट बैंक OTP। तो आपके बैंक की तरफ से दोस्तों एक OTP आएगा, OTP इसमें ऑटोमेटिकली इस तरीके से फिल हो जाएगा। ओके कर दीजिएगा, फिर से आएगा यहाँ पर 6 डिजिट UPI पिन, तो आपको यहाँ पर 6 अंक UPI पिन बना के ओके करना है। फिर से आएगा कन्फर्म करने के लिए, तो फिर से आपको वही सेम UPI पिन डाल के ओके कर देना और आपका UPI पिन यहाँ पर सक्सेसफुली इस तरीके से सेट हो जाएगा। अब दोस्तों आप लोग अपने किसी के पास पैसा वगैरह सब कुछ ट्रांसफर कर सकते हैं। जब आपका UPI पिन इस तरीके से सेट हो जाएगा दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अपने फ़ोनपे में दोस्तों इस तरीके होम स्क्रीन पर आएंगे। तो अब दोस्तों आप लोग यहां से टू मोबाइल नंबर के थ्रू पैसा भेज सकते हैं, QR कोड स्कैन करके भी पैसा भेज सकते हैं। UPI पिन अपना डालेंगे तो पैसा चला जाएगा, पैसा वगैरह सब कुछ डालने के बाद में। अब यहां पर दोस्तों आप लोग अपने चेक बैंक बैलेंस पे क्लिक करता हूं, मैं आपको लाइव प्रूफ भी यहां पर दिखा दे रहा हूं। यहां पर मैं चेक बैंक बैलेंस पे क्लिक करके अपने बैंक पर क्लिक करता हूं, और यहां पर जैसे मैं अपने UPI पिन इस तरीके से डालता हूं जो मैंने 6 अंक बनाया उसको डाल के ओके करूंगा, तो मेरे बैंक में जितना भी पैसा रहेगा कि यहां पर सक्सेसफुली शो हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से आप लोगों को यहां पर समझ में आ गया होगा सब कुछ, और यहां पर मोबाइल रिचार्ज वगैरह सब कुछ आप लोग कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। अगर आपको कुछ भी करने में डाउट हो रहा है, कुछ आप लोग नहीं करना चाहते हैं, कुछ आपको समझ में नहीं आया, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो इस तरीके से गाइस आप लोग अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का UPI पिन आप लोग सेट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोग गूगल पे चलाना चाहते हैं तो गूगल पे भी चला सकते हैं, पेटीएम चलाना चाहते हैं पेटीएम भी चला सकते हैं, फोनपे भी आप लोग चला सकते हैं, मैंने फोनपे में पूरा आपको बता दिया। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और वीडियो को लाइक करें दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए और वो भी इस तरीके से अपना UPI पिन सेट कर पाएंगे अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में।